जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए नंदनी की हो रही है पैकिंग, क्योंकि नंदनी जा रही है अपने घर। तो भाई मुझे तो पैकिंग देख के ही बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हो गया। नंदनी के कपड़े ना अब 2-3 दिन रही तो यहाँ वहाँ सब हो गए, निकालती रही तो वही सब सेट कर रही है। और यहाँ उसने मुझे अपनी कुर्ती दी है फिटिंग करने के लिए। बोले थी मौसी ये थोड़ी आस्तीन में ना थोड़ी ढीली हो रही है, तो इसकी फिटिंग कर दो। तो मैं वही इसकी फिटिंग कर रही हूँ। और यहाँ नंदनी हो गई हैं बिल्कुल रेडी, तो अब लगा रही हैं नेल पॉलिश। तो बोली थी मैं नेल पॉलिश लगाना, मुझे रेड कलर पसंद है, मौसी आपके पास रखा है, तो वही लगा रही है नेल पॉलिश। और यहाँ देखे नंदनी के बैग वगैरह निकल आए हैं, बस हो गई उनकी तैयारी निकलने की और जाना ही है। चलो मेरे साथ चलना। चलो ऐसे भैया आए नहीं जा रहे हैं, देख लिया। चलो पीला पीला खिलाएंगे, चलो। पीली वाली मिठाई मांग रहे थे, पीली वाली मिठाई लेके आएगी। चल भाई अब घुस कर दिया पीला पीला। चलो यार नंदनी दीदी के साथ में आ जाना, फिर मौसी मिल जाएगी वहाँ पे। जाना है शिवानी मौसी है, बुढ़िया मौसी है, जाना है। जाना है तो हो जाते यार, लगा पैक फटाक से। खुशी है कि चलो मैं वहाँ चला जाऊंगी तो 2 दिन कोचिंग और स्कूल से बच जाऊंगा। आप जाओ फिर, जाओ जाओ। 16 तारीख को गोलू का मन भी है जाने का और नहीं भी है, क्योंकि यहाँ मम्मी छूट जाएंगी, वहाँ मौसी और नंदनी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ मम्मी छूट जाएंगी। नंदनी लोग जा चुकी हैं फ्रेंड्स, तो गोलू कितना मायूस होकर बैठा था साइकिल में, उसका मन भी था और नहीं भी था, दोनों तरफ उसका मन भटक रहा था। अब मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, काफ़ी देर तक बैठी रही, लेकिन फिर बर्तन साफ़ करने थे, सब लोगों का खाना वाना हो गया था, सब लोग खा पी के चले गए, तो मैं सब बर्तन साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे फिर और भी काम करने हैं। आज छुट्टी का दिन है तो और काम निपटा लिए जाए, मन तो नहीं लग रहा लेकिन काम है तो करना तो है ही। तो यहाँ गेहूं मैं बना रही हूँ, क्योंकि अभी आज और कल के लिए तो आटा है, लेकिन फिर आटा ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलता, तो मैंने कहा मैं गेहूं ही बना लेती हूँ, बैठे करूँगी क्या। तो यहाँ मैं गेहूँ फटक के साफ़ कर रही हूँ, वैसे तो साफ़ है लेकिन और साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर इसको भिजवा दूँगी तो टाइम से पिस के आ जाएगा, ख़त्म होने से पहले ही, कि हम पहले व्यवस्था करके रख लें। तो यहाँ पहले मैं उसको छान रही हूँ छलनी से, फिर मैं इसको फटक रही हूँ अच्छे से, और इसके बाद में फटकने के बाद मैं इसको बीन के मैं साफ़ करूँगी और फिर मैं इसको भेज दूँगी चक्की पे। तो यहाँ मैं कर रही हूँ। और गेहूं मेरे सब साफ़ हो चुके हैं, तो यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू, ये जो नीचे का निकला हुआ है ये डाल दूँगी पक्षियों में नीचे, या गाय वाय को तो खा लेंगी। तो यहाँ मैं वही गेहूं साफ़ कर रही हूँ छत को। और इसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ हो रही हूँ रेडी तैयार, क्योंकि मुझे पीको कराने के लिए साड़ी डालने जाना है, और
तो मैंने कहा आज मैं ये भी काम निपटा ही लेती हूँ, तो मैं जा रही हूँ साड़ियों को डालने, वो ब्लाउज भी सिलवाने हैं, तो मैंने कहा आज डाल ही आती हूँ। मैं जा रही हूँ अब पार्लर, यानी कि मुझे कुछ साड़ियाँ डालनी हैं पीको के लिए, और ब्लाउज भी पड़े हुए हैं सिलने के लिए, तो मैं डाल आती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, आज टाइम भी है तो फिर हो आते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ दीदी के पास, तो मैं इनको बता रही हूँ कि फॉल मैं नहीं लेके आई, फॉल आपको ही लगाना होगी, आप लगा दीजिएगा। और ये सब रखती हैं, फॉल वगैरह अगर नहीं है तो भी लगा देती हैं अपने से। तो यहाँ मैं वही बता रही हूँ, ब्लाउज और जो सिलने हैं मुझे, और मैं ना ब्लाउज लाना भूल गई ना आपके लिए जल्दबाजी में। और यहाँ हम लोगों की चल रही है बातचीत। और यहाँ पर ले रही हैं दीदी मेरा नाप, क्योंकि मैं ब्लाउज़ घर पे ही भूल आई नाप का, तो वो तो सिलती रहती हैं, उनको अंदाज है सब। और फ्रेंड्स यहाँ मैं आ चुकी हूँ घर पे, और मेरे सब्सक्राइबर हैं जो, उनकी एक बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी दही जमाने की ट्रिक बताइए, तो आज मैं दही जमाने की ट्रिक बता रही हूँ। और यहाँ बस मैं दूध को पलट रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत ध्यान रखना है, दूध गुनगुना होना चाहिए, गरम एकदम खोलाना नहीं, हल्का सा गुनगुना, टेम्परेचर पर गरम हो जाए। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा दूध गुनगुना हो चुका है, और अब पूरी डाल रही हूँ दही। तो ये मैंने डाल दिया दही, और अब देखिएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि दही मेरा कैसा जमा है। बस ऐसे ही जमाना है आपको, गुनगुना करके उसमें दही डालना है, ठंडे दूध में नहीं डालिए, रख देना है, बिल्कुल नहीं हिलाना, ऐसे ही रखा रहने देंगे। और यहाँ पर मेरी हो रही है शाम वाली चाय, यानी चाय बना रही हूँ, और सारा टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमारा चाय का टाइम इधर उधर नहीं हो सकता, वो तो फिक्स टाइम रहता है, किस टाइम सुबह बननी है, किस टाइम शाम को बननी है। तो यहाँ मेरी बन रही है चाय, तो आ जाइए सब लोग चाय पीने। यहाँ पर हमारी और इनकी चाय हो रही, बच्चों को तो देते ही नहीं, बस मैं दो ही कप बनाती हूँ। कहाँ खा रहे हो गोलू? हाँ, भुट्टा। कौन लाया भुट्टा? मैं। कहाँ से? बाहर फेंक रहे पूरा, तो आप तो खत्म फेंक दो, खत्म है, फेंक दो अब, बचा है। कैसा लग रहा? हाँ फ्रेंड्स, अब हो रहा है ब्लॉग की एंडिंग का टाइम, और आज नंदिनी चली तो गई है, सच में घर खाने को दौड़ रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। दो ये हमारे हो गए और नंदिनी, तीनों लोग ऐसे घर में खेलते थे हर काम, और काम भी बहुत अच्छे से करती है वो, दिन का पता ही नहीं चलता था दिन कैसे निकल गए तीन दिन। और आज ही ना वही घर ऐसा लग रहा है, कोई है ही नहीं, हो गया। और नंदिनी तो वहाँ जाके कुछ देर के लिए भूल गई होगी, मम्मी से मिली होगी, पापा से मिली होगी, भैया से मिली होगी, बट यहाँ तो बहुत बुरा लग रहा है, और हो गया। और देखिए ना नंदिनी कितनी अच्छी अपनी निशानी छोड़ गई है, कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है उसने, वो ना हर चीज़ में ही परफेक्ट, हर आप कोई डिश बनवा लीजिए, खाना बनवा लीजिए, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ करती है। इतनी उसकी उम्र नहीं है जितनी उसके अंदर समझदारी है, सारे काम टाइम टू टाइम कैसे करना है, सारे काम मेंटेन करके रखती है। और आज चली गई है ना तो बहुत ही बेकार लग रहा है, और हो गया। तो फ्रेंड्स मैं यही करती हूँ, यहीं पे करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ कोई मिस ना हो।
मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।